दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बकरे का मीट खाने के बाद आपको कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स में। जी हाँ, देखिए खान पान के मामले में सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को वेजिटेरियन खाना पसंद होता है तो किसी को नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियंस अपने डाइट में अंडा, मछली, चिकन, मटन आदि को अपने आहार के रूप में लेते हैं, और ऐसे में नॉनवेज में बहुत से लोगों का मटन ही सबसे ज्यादा फेवरेट होता है। मटन खाने का एक अलग ही मजा होता है। वैसे दोस्तों, मांसाहारी खाने के शौकीन लोगों की डाइट में चिकन मटन हर दूसरे तीसरे दिन शामिल होता है। इसे खाने से शरीर को कई तरह के फायदे भी पहुंचते हैं। और मैं आपको बता दूं, मटन में विटामिन, मिनरल्स, आयरन, जिंक, प्रोटीन, विटामिन B12 जैसे कई तरह के न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं। और दोस्तों, ये हमें हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती हैं, स्किन को जवान रखती हैं, बालों को मोटा घना बनाती हैं, और यहाँ तक कि खून की कमी को भी दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये हमारे आंखों की रोशनी को तेज़ करती हैं, मसल्स बिल्डअप में हेल्प करती हैं। इसीलिए दोस्तों, मटन खाने से स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है और बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ताकत भी मिलती है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सेवन मटन खाने के बाद या फिर पहले आपको नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अगर व्यक्ति इन चीज़ों का सेवन मटन खाने के बाद या फिर उससे पहले करता है तो इससे उनकी सेहत पर बुरा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि उन्हें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यदि आप भी मांसाहारी हैं और मटन खाना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आइए जानते हैं कि इन चीज़ों का सेवन मटन खाने के बाद या फिर पहले आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है दोस्तों, दूध को करें अवॉइड। जी हाँ, इस लिस्ट में पहला नाम दूध का ही आता है। वैसे तो दूध का सेवन हमारे लिए कई तरह से फायदेमंद होता है, और दोस्तों दूध हमारे शरीर के लिए कई मायनों में लाभकारी होता है। इसमें कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को ठंडा रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, बकरे का मीट खाने से पहले या फिर उसके बाद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए कभी भी भूलकर भी मीट, मछली या फिर चिकन खाने से पहले या फिर बाद में दूध ना लें, क्योंकि दोस्तों ये आपको सफ़ेद दाग जैसी गंभीर बीमारी का शिकार बना सकता है। और साथ ही दोस्तों, आपको जो है पेट से जुड़ी कई तरह की प्रॉब्लम होती हैं, इनडाइजेशन से जुड़ी, यानी कि बदहजमी से जुड़ी। इसीलिए आप दूध का सेवन करने के बाद जो है मटन को मत खाएं, या फिर मटन खाने के तुरंत बाद आप दूध मत पिए। इन दोनों को खाने के बीच में आप कम से कम 2 घंटे का अंतर जरूर रखिए। दूसरा है दोस्तों, शहद। जी हाँ, मटन हमारे शरीर को गर्म करता है और शहद की तासीर भी गर्म ही होती है। ऐसे में यदि आप शहद का सेवन बकरे के मीट के साथ करेंगे या फिर उसे खाने के बाद करेंगे तो आपके शरीर की गर्मी को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, और साथ ही आपके पेट में गड़बड़ी जैसी प्रॉब्लम्स भी आपको होने लगेगी। जैसे कि दोस्तों, इसको सेवन करने से पेट में मरोड़, डायरिया, पेट में दर्द और साथ ही अपच की समस्या पैदा हो सकती हैं, जिससे कि काफ़ी नुकसान आपके पेट को हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, मटन खाने के तुरंत बाद शहद का सेवन मत कीजिए। और दोस्तों, तीसरी चीज़ है, आप चाय से कीजिए परहेज। जी हाँ, कई लोग ना चाय के इतने ज़्यादा आदी होते हैं कि खाने में मटन खाने के बाद भी चाय पीने से नहीं हिचकिचाते हैं। लेकिन हमें ऐसी आदत को बदलना चाहिए, क्योंकि इसे इनडाइजेशन की समस्या के साथ साथ पेट और साथ ही सीने में दर्द, जलन व कमजोरी महसूस होने लगती हैं। ज़्यादातर लोग रात का भोजन लेने के बाद टहलते नहीं हैं, लेकिन हमें इस आदत को भी सुधारना चाहिए, क्योंकि दोस्तों टहलने से हमें अपना भोजन पचाने में मदद मिलती है, साथ ही नींद भी अच्छी आती है। तो हमें रोज़ाना भोजन करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक अवश्य ही टहलना चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दोस्तों, भोजन के बाद यानी कि डिनर के बाद आप चाय पीना अवॉइड कीजिए। और दोस्तों देखिए, खाने में नॉनवेज खाने के पहले या फिर तुरंत बाद में भी आपको सिट्रस फ्रूट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। ये पेट में गैस और साथ ही एसिडिटी की समस्या पैदा कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप मटन और साथ ही सिट्रस फ्रूट्स को खाने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखिए। और दोस्तों, आपको मटन खाने के तुरंत बाद कच्चे लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से आपको उल्टियाँ यानी कि वॉमिटिंग्स होने के साथ ही सांसें तेज होने जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए मटन खाने के तुरंत बाद आप कच्चे लहसुन का सेवन मत कीजिए। इतना ही नहीं दोस्तों, मटन खाने के बाद आपको नींबू का सेवन जैसे कि नींबू पानी के रूप में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके शरीर का तापमान बढ़ सकता है और आपको चक्कर यानी कि डिजीनेस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
इसीलिए दोस्तों आप मटन खाने के तुरंत बाद नींबू पानी वगैरह मत पीजिए। और हाँ दोस्तों, देखिए अगर मटन खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि मीट का रंग पूरी तरह से लाल हो, मीट पर किसी तरह के हरे धब्बे ना पड़े हों। और ना दोस्तों, बासी मटन के अंदर एक अलग तरह की खुशबू होती है, लेकिन ताज़े मीट में किसी भी तरह की खुशबू नहीं आती है। ऐसे में अगर मीट से खुशबू आए तो आप समझ जाएं कि ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, तो आपको बासी मीट नहीं खाना चाहिए। नहीं तो दोस्तों, इससे भी आपको ना फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा मीट खरीदते टाइम आप ये चेक करें कि मीट के जो मसल्स होते हैं साफ दिखाई दे रहे हों, ये चिपचिपा नहीं होना चाहिए और उसमें से पानी भी नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा जब उसे काटा जा रहा हो तो वो अंदर से पीला नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फ्रेंड्स, आप समझ जाएंगे जो आप मीट खरीदने वाले हैं वो बासी मीट है। अगर आप ऐसा मीट खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द या फिर एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए आप हमेशा ताज़ा मीट खरीद के ही खाएं। और हाँ दोस्तों, मार्केट से मीट खरीदते समय इस बात का भी खास ध्यान रखें कि आप हमेशा स्किनलेस मीट को ही खरीदें। इससे क्या होगा कि दोस्तों, जो मीट के अंदर फैट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे आपके दिल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसीलिए अगर आप ज़्यादा मीट खाते हैं तो कोशिश करें कि स्किनलेस मीट को ही खरीदें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी वाली लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ एक और वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।